मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भीषण जाम से उबारने के लिए जिला जेल बाईपास को फोरलेन का चौड़ीकरण के प्रस्ताव की मंजूरी देकर गोरखपुर वासियों को एक और तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णय में गोरखपुर के जिला जेल बाईपास के फोरलेन का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण शहरी एवं जिला मार्ग कराए जाने को प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 24 से निकलकर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 28 के छूटे भाग के बीच संचालित यातायात के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे यह मार्ग मुख्य शहर से गुजरने वाले महत्वपूर्ण मार्गों गोरखपुर महाराजगंज मार्ग राजमार्ग संख्या 81 तथा गोरखपुर पिपराइच मार्ग प्रमुख जिला मार्ग संख्या 573 ई को क्रॉस करता है। इस प्रकार गोरखपुर शहर में सोनौली महाराजगंज मार्ग पिपराइच देवरिया एवं कुशीनगर वाराणसी से आने वाले वाहन शहर में न जाकर इसी बाईपास मार्ग का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पूरे साल जेल बाईपास मार्ग पर भारी यातायात का दबाव रहता है। जाम से निजात दिलाने के लिए इस कार्य की अनुमति प्रदान किया है। इस मार्ग की लंबाई लगभग 8.5 किलोमीटर है। परियोजना के प्रस्तावित लागत लगभग 200 करोड़ रुपए है। परियोजना के अंतर्गत सिविल कार्य की लगभग 8,751.28 लाख रुपये, यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत 4,304 लाख रुपये है। इससे विशेष रूप से शहरी भाग में विद्युत डक्ट केबलिंग का कार्य प्रस्तावित है। जमीन अधिग्रहण की लागत 4,716 लाख रुपए है।